गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं टू फॉरनर्स इन बॉलीवुड। उनके भाई बहुत ज्यादा वर्जिन तो कर क्या है भाई, यही है भी नहीं। लेकिन ये कि भाई अगर देखते हैं हमें वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। गाय को धोने के लिए भी बाहर से आदमी बुलाए? अरे मोबाइल में काहे नहीं जाते हो पूरे के पूरे? भी कौन है? तुम्हारा बाप ही दुहेगा का? अरे कौन से नक्षत्र में पैदा हुए? हमारे हिस्से में आने थे का करें का? तुमको पता था ये होने वाला? तुम्हें जाना हो इस नाकिस को। अरे काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। अरे इतना सा काम तो ढंग से कर लो। दूध तक के पकड़ लिया, किसी काम का नहीं। तो आपने अपनी जिंदगी में क्या उकाट लिए है? जब से पैदा हुआ है हमारी जिंदगी जन्म बना के रख दी है। तो देख रही हो बड़ों से ऐसे सौर से बात करते हैं साले अकार। कम से कम बड़ों से बात करना तो सीख ले हराम जादे। यार हमको मिल के खाइए मत आप लोग। किस्मत देखो भाई, न बाप अमीर है, न माँ सरकारी नौकरी में, और न बहन कुछ करती है, कुछ पैसा नहीं कमाती। सबके सब फूल अकारत निकल गए भाई। ऐसा होता तो आज लड़की भी होती भाई। कभी कभी बना हुआ क्या है कि क्या जिंदगी भर हम लोग वर्जिन ही रहे क्या? माँ तक जो 28 साल का हो गया हूँ और लड़की को आज तक छुआ तक नहीं। लोगों के जीवन में प्यार होता है, लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और फिर नशे में सेक्स करते हैं भाई। हाँ भाई, नशे में सेक्स करने में कितना मजा आता होगा। हमारे जीवन में पार्टी के नाम में 6 महीने में एक बार छुप छुपा के बियर पी लो, चखने के नाम पे अंकल चिप्स, और नशे वाले सेक्स के नाम पे रुंझुन के नाम का मुठ मार कर सो जाओ। भाई यार रुंझुन बिलू का सच्चा प्यार है, वो बिलू अपना सच्चा दोस्त। बिल्लू? अरे लोड़ा यार बिल्लू तो बिल्लू प्यार करती है। ऐसे तो मैं जैकलीन, प्रियंका, सलमान भाई सबके नाम का मुठ मारा हूं। तो सलमान भाई भाई सलमान भाई जाने मन पिक्चर में जो लड़की बने थे तो मैं उनके भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा वर्जिन हूँ भाई, बहुत ज्यादा। भाई मैं अपने बाप की कई गान न मार दू, गान के लेने का रखा है यार। कुछ नहीं कर सकते हम, बाप बाप होता है भाई। एक बात बोलो,
मैं इतना वर्जन हूँ, इतना वर्जन हूँ कि चिल्ला हुआ मुर्गा देख के तनतना जाता है। मैं इतना ज्यादा वर्जिन हूँ, इतना ज्यादा वर्जिन हूँ कि लोगों को जब स्वप्न दोष होता है तो उनके सपने में लड़की आती है तब उनको स्वप्न दोष होता है। मैं मेरे सपने में नदी में नहा रहा होता हूँ तब मुझको स्वप्न दोष हो जाता है। भाई भाई मैं इतना वर्जिन हूँ, इतना वर्जिन हूँ कि लगता है कि गांधी मरवा लो। तुम लोगों से नहीं भाई, भाई वैसा अगर हम लोग लड़की के कपड़े पहन के पीछे से गांग मारेंगे। चुप निकल गए भाई तुम तो। ये सब छोड़ो, अब एक ही रास्ता बचा है। मेरे पास एक प्लान है, हम सेक्स करके पैसे कमाएंगे। Why should girls have all the fun? गांजा फूंक लिया क्या भाई? गांजा फूंक लिया क्या भाई? हम जिगोलो बनेंगे, जिगोलो। जिगोलो? जिगोलो? वो क्या है? मुंबई की आंटियां लोग नए नए नौजवान लड़कों को पैसे दे के सेक्स करती हैं भाई, जब उनके पति रशिया चले जाते हैं। हाँ मैंने ये सुना है, सनसनी में। ये तो मैंने भी सुना है भाई। दिल्ली वाला जो मयंक है ना, गोरा चिट्टा वाला, वो चिकोलो है भाई। वो यही काम करता है और यही काम करके वो कुआइगन की सफेद कलर की पोलो खरीद लिया है। सोचो तुम लोग कितने गोरे चिट्टे हो भाई। मुंबई जाना है और वहां रुकने में तो बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा कहां से आएगा? मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। हम अपने घर वालों को एक ऐसी न्यूज देंगे जो सुनने के लिए वो बचपन से तड़प रहे थे। हम घर जाते ही बोलेंगे एकदम ड्रामा क्रिएट कर कि मम्मी मम्मी पापा पापा जल्दी आइए। और बाबा के दोनों जन आएंगे, उत्ते में बोलेंगे हम लोग ये देखिए ये क्या है। बोलेंगे क्या है? हम बोलेंगे हमने यश राज फिल्म में गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किया था 2 महीने पहले और आज देखिए उनका ऑफर लेटर आया है। अब आपका लड़का यश राज फिल्म में 20,000 रुपए की नौकरी करता है। मम्मी पापा चकरा जाएंगे। अब बम्बई जाने के लिए, वहां रहने के लिए 1 महीने के तो पैसा लगेगा। वो पैसा घर वाले देबे ना करेंगे यार, ये बताओ। तो हम अपने घर वालों से बोलेंगे 7-7, 8-8 हजार रुपए हम लोगों को जाने के लिए, रहने के लिए वहां लगेगा, है ना। 1 महीने जब तक हमारी सैलरी नहीं आ जाती, जैसे पैसा इकट्ठा हुआ सीधे मुंबई। मतलब हम लोगों को सेक्स करने के पैसे मिलेंगे? भाई दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस तो कोई नहीं सकता। मांगाए भाई, बहुत ही हरामी आदमी हो, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन जी लोगों बनने से पहले मैं एक बार रुंजुन से बदला लेना चाहता हूँ। सच्चा प्यार करता था मैं उससे, लेकिन वो पल्सर वाले विक्की से पड़ गए। जाने से पहले बदला लेगा मैं। एक दिन तो बहुत बादर जी लोगो बनेगा। जी लोगो नहीं बे, जी गोलो। बजे मिलने तुम करने क्या वाले हो बे? शाम 6:30 बजे रुंजुन के बाप के कोचिंग में मिलो। ओ, ये क्या हो? 14 काहे नहीं देते बे? भाई मैं जिगुलो वाले न्यूज देखने जा रहा हूँ। भाई एक चोता वाला चाकू दे दीजिए। चोता वाला चाकू? हाँ। भाई रुंजुन आई? अभी तक नहीं आई भाई। अरे शाम को 7:30 बजे रुंजुन का बाप अपनी कोचिंग से ब्रेकफास्ट करने अपने घर जाता है। ठीक उसी टाइम पे रोज रुंजुन 1 घंटे के लिए वहां आती है। 7 बजने में भी 3 मिनट बाकी है भाई। उसकी स्कूटी का नंबर C4207 है। देखते रहे ना, मैं 2 मिनट में आया। चाकू ले लिया। तुम क्या देख रहे हो बे? चिकोलो वाले न्यूज देख रहा हूँ। कोई शक नहीं इस बात में कि हालात हैरान करने वाले हैं, लेकिन चिकोलो का वजूद कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि इस कलयुग की दिल्ली और मुंबई में इन नई जादी आंटियों की इस जरूरत ने कई सारे बेकार नौजवानों को
रोजगार का मौका तक दे दिया है। जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो पुरुष मंडी के दलालों और उनके कस्टमर्स तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। मन्नत मसाज पार्लर अखबार। अरे बीएम सर आज जल्दी आ गए, वो भी रुंजन दीदी की स्कूटर से। हाँ रुंजन दीदी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए सर जल्दी गए और जल्दी आ गए। गुड इवनिंग बीएम सर। अपने के लिए बोलेंगी, उसके बाद मुसम्मी का एक ग्लास जूस देंगी, आप वो जूस पियेंगे और वो जूस पीते ही मुझे बवासीर है। यही बब्बा कहीं देता है मार देता है। जेल में बंद करो इसको। MH4207 भाई रंजुनागर बिल्लू को फोन लगा, बिल्लू को फोन लगा, जल्दी बिल्लू को फोन लगा। लेकिन दुकान में क्या बड़ा है, क्या करे बोला भाई। भाई अगर कुछ दिक्कत हुई तो बचाने आ जाना। हाँ भाई तेरे लिए जान दे देंगे। तू बहुत प्यार करती थी ना अपनी स्कूटी से। कोई तो गुंडा सर की बेटी की स्कूटी तोड़ रहा है। अरे हाँ सर को बताना चाहिए। सर कोई तो आपकी बेटी की स्कूटी तोड़ रहा है। सर भाई कोई आ गया भाई, जल्दी तोड़। क्या कर रहे हो बेटा? ए बुड्ढे अपना काम कर रहे हैं। हम गुंजन के बाप है। अपने अपने घर चलो और पैसे का जुगाड़ करो, प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। भाई कुछ भी हो जाए पैसे का जुगाड़ कब तक हो जाना चाहिए, जिससे परसों के परसों हम लोग मुंबई निकल जाए। शो मस्ट गो ऑन। हाँ जी गाइस, तो या ये गोरों को इंडिया में किसने आने दोनों बहुत तेज है भाई। देखे स्टार्ट वाला सीन काफी ठीक था कि कैसे वो मोबाइल के अंदर ही भाई चला गया जैसे, और सारा दूध भाई जाया कर दिया। और जो फिर उसने भाई एक ऐसे भाई मारा और देख ले के भाई तीनों के तीनों भाई वही गिर गए भाई। नहीं इनकी काफी भाई एपिसोड देखने वाली होती है कि बहुत एक मतलब के फेमस भी हुई है इसमें एपिसोड। इनकी फेमस तो हर कोई भाई हुई है क्योंकि मेहनत ही काफी भाई करते हैं बनाने में। और भाई जो बैठा हुआ था ना वो जो मिसवाक कर रहा था वो इसका बाप था मुझे और उसने बोरी से शादी की हुई है, उसमें से ये शात्र पूरा प्रकट हुआ सबसे तेज। एंड मोर भाई वो एक मतलब के जेल यार वो बदला ले रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से कि इसने मुझे छोड़ दिया था और फिर उसकी स्कूटी को भाई ऐसे तोड़ फोड़ कर रहा था। वो इसलिए ले रहा था ना कि वो बड़े मिशन पे जा रहे थे मुंबई है तो कमाई कमुई कर दे, तो इसलिए उसने कहा जाते जाते जो है ना वो मैं भी एक जख्म देखा लेकिन उसको उल्टा एंड पर भाई वो एक गरीब ब्रूस ली बना है। गरीबों का ब्रूस ली लेकिन भाई निकाल कर तो गा नहीं है।
उनका मुझे तो लगा था कि मतलब के फाइट करेगा लेकिन नहीं, लेकिन जो उसके दोस्त है ना वो सही उधर से भागे। अच्छा बोल रहा था कि मैं जब मतलब के जा रहा हूँ मेरी हेल्प करना पीछे से अगर कोई आ जाएगा। उन्होंने भाई याद देखा ना ये स्कूटरी के पास ही गया तो तब भी वो भाग गए। उनको पता चल गया था अपनी जान बचा कर यहाँ से निकलना है। लेकिन भाई काफी मजा आया, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।